अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल टिप्स में दस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो कल से ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बार बार कमेंट कर रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं कि कल जो मीटिंग हुई है उसमें हमारा जो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं या ओपन इलामा कॉल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या फ़ैसला किया गया है, क्या हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे, हमारा रिज़ल्ट कब आएगा, तो बहुत सारी बातें हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें और जो लोग चैनल पर हैं वो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि जिन लोगों की ये सोच है कि हमारे एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन हो गए पंजाब यूनिवर्सिटी वालों के, तो अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी ने तो ऐलान कर दिया है कि उनके जो बीएस बीबीए और जो भी एडीबी वालों के जो एग्ज़ाम हैं वो ऑनलाइन होने जा रहे हैं और उनका जो पेपर टाइम है वो 2 की बजाय 12 घंटे होगा, जब तक मतलब उन्होंने पेपर जो है सबमिट करवाना होगा। क्योंकि बहुत सारी जो इंटरनेट की वजह से या फिर जैसे आपको पता है पाकिस्तान का जो लाइट बिजली का सिस्टम है वो कैसा है, तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट्स ने बोला कि हमें जो है इतना टाइम चाहिए। और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के इम्तिहान जो है वो अभी ऑनलाइन होने की कोई भी बात सामने नहीं आई, अभी तक ट्रेडिशनल एग्ज़ाम होने की बात है। और उसके बाद बात कर लेते हैं आप लोगों के रिज़ल्ट की, तो अभी तक रिज़ल्ट के हवाले से भी कोई अपडेट नहीं आई, अभी तक वही डेट है। तो आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो 15 जून तक का बोला गया था, तो अभी तक वही डेट है, उसके अलावा कोई डेट जो है वो सामने नहीं आई। तो इस बात को माइंड में रखें कि आप लोग जो अपनी तैयारी अपने ट्रेडिशनल वे के हिसाब से करें, ठीक है, तो ऐसी वैसी खबरों पे ना जाएं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।